आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में बता दिया था। आज की वीडियो में हमने करना है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो यानी कि प्रॉफिट है हमारा जितना भी, उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम जो है वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं और बाकी जो बचा है उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं। जो पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। जो पैसा आपने बिजनेस में री इन्वेस्ट किया दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो एज सच जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उनकी कोई क्लियर कट कॉस्ट नहीं है, एक्सप्लिसिट मैनर में कोई कॉस्ट नहीं है कि जिससे जो आपको पता चले कि इतना इंटरेस्ट या इतना डिविडेंड आपने उसके ऊपर पे करना है। क्योंकि जो हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उन रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर जो है हमें कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं पे करना होता, ना ही कोई डिविडेंड पे करना होता है। तो इसकी कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, क्लियर कट कोई कॉस्ट नहीं है कि जिससे हमें पता चले कि कितना परसेंट इंटरेस्ट या कितना परसेंट डिविडेंड हम पे कर रहे हैं। तो इसकी एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वो इसलिए है क्योंकि जो आप बिजनेस में पैसा री इन्वेस्ट कर पाए हैं प्रॉफिट का, वो इसलिए कर पाए हैं क्योंकि वो अर्निंग्स आपके शेयर होल्डर्स ने छोड़ दिए, फॉरगो कर दिए, छोड़ दिए उन्होंने, उनको नहीं मिली है इस वजह से या उनको नहीं दी गई है इस वजह से आप वो पैसा, वो फंड्स, वो प्रॉफिट जो है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकें। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कि उनको इतनी अर्निंग्स फॉरगो करनी पड़ी है तब कंपनी जो है वो इतना पैसा बिजनेस में प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट कर पाई है। तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि कॉस्ट ऑफ आर से लिखा है, के आर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स दैट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई NP प्लस G। तो सेम फॉर्मूला है आपका जो हमने किया था किस टाइम पे, जब हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट की थी। तो मोर और लेस कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर ही है। वही सेम फॉर्मूला है आपका D1 डिवाइडेड बाई NP प्लस G। और अगर हमारे पास NP के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम जो है वो MP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो D1 डिवाइडेड बाई MP प्लस G। तो KR का मतलब है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, D1 का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आपको पहले बताया था। NP का मतलब नेट प्रोसीड्स, G का मतलब है रेट ऑफ ग्रोथ कि अगर ग्रोथ रेट वो एक्सपेक्ट करते हैं तो वो ग्रोथ रेट आ जाएगा। एंड D0 मीन्स प्रीवियस ईयर डिविडेंड। तो अगर हमारे पास D1 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम D1 जो है वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G। तो प्रीवियस ईयर डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम करंट ईयर डिविडेंड निकाल सकते हैं। तो करंट ईयर डिविडेंड निकालने के लिए आपको प्रीवियस ईयर डिविडेंड को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स मोर और लेस दे आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो वो क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए ही एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो हम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को इस सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। पर क्या होता है कि इसकी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेने से क्या है कि एक्चुअल में उनको जो शेयर होल्डर्स को अगर आप दे देते हैं तो उनको नेट कितना मिलेगा, तो उस बेसिस पर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फॉर्मूले में। तो वो चेंज क्या कर रहे हैं हम कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई NP प्लस G। तो ये तो हमने पहले ही फॉर्मूला किया था, बट इसमें हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 1 × 1 - T × 1 - B। तो ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी इसको 1 - T से और 1 - B से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये तो हमने जो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 - T 1 - B। तो ये 1 - T 1 - B क्या है, बाकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आपको बता दिया मैंने कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर ही हम मान के चलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है। तो बट ये 1 - T 1 - B क्या है कि ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को 1 - T, टी का मतलब है टैक्स रेट, एंड दिस टैक्स रेट इज एवरेज टैक्स रेट फॉर शेयर होल्डर्स। दिस टी मीन्स एवरेज टैक्स रेट फॉर शेयर होल्डर्स की, जो टी का मतलब है टैक्स रेट है, एंड दिस टैक्स रेट इज फॉर शेयर होल्डर्स नॉट फॉर द कंपनी। ये ऑर्गेनाइजेशन वाला टैक्स रेट नहीं है, ये जो टैक्स रेट है दैट इज फॉर शेयर होल्डर्स एंड एवरेज टैक्स रेट की, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एवरेज इतना रेट से जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो शेयर होल्डर्स के लिए जो टैक्स रेट है वो आ गया। और बी का मतलब होता है ब्रोकेज कि जो आपकी कोई भी नई सिक्योरिटी परचेज करनी है तो उसके लिए कोई कॉस्ट, कोई ब्रोकेज कॉस्ट आपको पे करनी है, तो वो बी हो गया आपका।
तो ये के ई इंटू वन माइनस टी इंटू वन माइनस बी, यानी कहने का मतलब कि हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि हमने जो है वो शेयर होल्डर्स को जो है वो 10% पे करना है, तो 10% उनको पे किया जा रहा है, यानी कि 10 रुपये, फॉर एग्जांपल कि 100 रुपये का शेयर है, आपने 10% पे कर दिया, 10 रुपये पे कर दिए, अब 10 रुपये पे कर दिए, 10 रुपये पे उनको हो सकता है कि कुछ टैक्स पे करना पड़े, हो सकता है कि 10 रुपये में से 2 रुपये उनको एज टैक्स पे करने पड़ेंगे, 2 रुपये टैक्स पे करने पड़ेंगे, तो 1 माइनस टी जो टैक्स रेट था मान लो 20% था, तो हमने कर दिया, तो उसमें से 2 रुपये उन्होंने पे कर दिए टैक्स के, और हो सकता है कि जब उनको 8 रुपये मिले, उस 8 रुपये को अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो सकता है कि उन्हें कोई ब्रोकरेज कमीशन 1 रुपये की कमीशन पे करने पड़ रहे, तो नेट अमाउंट उनको जो है वो 10 रुपये में से सिर्फ 7 रुपये मिल गए, तो वो इफेक्टिव कॉस्ट निकालने के लिए जो है वो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स की इफेक्टिव कॉस्ट की उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, बेशक हम उनको 10 रुपये पे करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की फॉर्म में, बट उनके पास नेट अगर वो उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करते हैं टैक्स पे करने के बाद, तो उनके पास नेट कितना जो है वो जाएगा, इसको निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कैलकुलेट, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट की जाती है इस फॉर्मूले से, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस बी, बट ये फॉर्मूला आप तभी यूज करेंगे जब आपके पास टैक्स रेट दिया हुआ है शेयर होल्डर्स का, कंपनी वाले टैक्स रेट से आपने यहाँ पर इसको कैलकुलेट नहीं करना है, तो यहाँ पर ये टी का मतलब है टैक्स रेट फॉर एवरेज टैक्स रेट फॉर शेयर होल्डर्स, एंड बी का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ परचेजिंग न्यू सिक्योरिटीज और ब्रोकेज कॉस्ट जो शेयर होल्डर्स ने पे करनी है, तो और के ई का मतलब रेट ऑफ रिटर्न अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, वही बता दिया आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी है या रेट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर्स के लिए कितनी अवेलेबल है वो के ई हो गया, डी का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, जी का मतलब ग्रोथ रेट है, एन पी का मतलब नेट प्रोसीड्स है, तो हम इस तरह से कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं इफेक्टिवली अगर निकालनी है, ऐसा तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई कॉस्ट नहीं है, ना उस पर कोई डिविडेंड पे करना होता है, ना कोई इस पर इंटरेस्ट पे करना होता है, बट फिर भी हमें मान के चलते हैं कि शेयर होल्डर्स को अपनी कुछ अर्निंग्स फोरगो करनी पड़ी है, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स हम मान के चलते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ये वाले फॉर्मूले के लिए हम, बाकी अदरवाइज जो है वो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर ही मानी जाती है। तो इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल, इसमें क्या कह रहा है कि ए फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिटर्न अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, की शेयर होल्डर्स के लिए जो रिटर्न अवेलेबल है दैट इज 15%, की शेयर होल्डर्स को हम 15% पे कर रहे हैं या कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, द एवरेज टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स के लिए हमने बताया ना कि ये जो टैक्स रेट है हमने अगर यहाँ पर लेना है तो ये टैक्स रेट जो है वो शेयर होल्डर्स वाला होना चाहिए, तो शेयर होल्डर्स का जो एवरेज टैक्स रेट है वो 40% है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2% ब्रोकेज कॉस्ट दैट शेयर होल्डर विल हैव टू पे while investing their dividends in alternative securities, कि जो उनको dividend मिलेगा अगर वो उसको further invest करना चाहते हैं तो उनको जो है वो 2% जो है वो brokerage cost pay करनी पड़ेगी, तो आपको cost of retained earnings निकालने के लिए कहा है, तो cost of retained earnings के लिए हमने formula पहले बताया था आपको कि that is D divided by NP plus G into 1 minus T into 1 minus B, तो ये जो है वो cost of equity का ही formula है D divided by NP plus G, तो हमने लिख लिया कि cost of retained earnings is equal to cost of equity into 1 minus T into 1 minus B, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% बताइए, 15% लिख ली कॉस्ट एंड इनटू 1 माइनस टी, टी का मतलब है टैक्स रेट, टैक्स रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए 40% है, तो 40% को आप जो है लिख सकते हैं 0.40, तो 1 माइनस 0.40 इंटू 1 माइनस ब्रोकेज कॉस्ट कितनी है 2%, 2% का मतलब 0.02, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.4 ये हो जाएगा आपका 0.6, और 1 माइनस 0.02 करेंगे तो ये हो गया 0.98, तो इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 8.82, यानी कि इफेक्टिवली अगर आप उनको जैसे 8.82% जो है वो हमारी शेयर होल्डर्स को अर्निंग्स फॉरगो करनी पड़ रही हैं, बेशक हम जो है उनको 15% पे कर रहे हैं, बट इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो उनको 8.82% ही अपनी अर्निंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम उनको 15% पे करेंगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा उन्हें, टैक्स के साथ ब्रोकरेज कमीशन पे करनी पड़ेगी, तो इफेक्टिवली नेट उनको जो है वो 8.82 मिल पाएगा, तो इसलिए ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स निकाली जाती है, इसमें हम जो है वो टैक्स रेट और 1 माइनस बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एज सच, तो इस पर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं पे करना है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कि उन्होंने अपनी अर्निंग छोड़ी है तब रिटेन्ड अर्निंग्स बिजनेस में री इन्वेस्ट हो पाई है, इसलिए जो है वो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बट अगर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात है तो कितनी उनको इफेक्टिवली नेट कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, इसके लिए हम 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस बी भी
कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 15% जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी, बट अगर रिटेन अर्निंग्स की बात करते हैं तो वो नेट उनको जो है वो 8.82% ही फोरगो करनी पड़ रही है। तो इसमें बस ध्यान हमने ये रखना है कि ये वाली जो टी और बी है ये तभी लेना है जब वो हमारे शेयर होल्डर्स के बारे में बताया गया है कि शेयर होल्डर्स उस इन्वेस्टमेंट को अगर री इन्वेस्ट करते हैं तो इतनी ब्रोकरेज कमीशन पे करनी है, और अगर जो है वो ये टी है ये टैक्स रेट कॉरपोरेट टैक्स रेट नहीं लेना है। यहाँ पर आपने क्या लेना है, ये लेना है आपने जो शेयर होल्डर्स के लिए एवरेज टैक्स रेट है। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन जनरल कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और स्पेसिफिकली अगर आपके पास उस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आपने इस परसेंटेज से लेनी है तो आप उस परसेंटेज से कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करेंगे, बट अगर सिंपल जनरल बात करें तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और अदरवाइज इफेक्टिव रेट निकालने के लिए हम जो है उसका 1-T 1-B भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।